तो जस्ट मैं दुकान में बैठा हुआ था, ये ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा डेयरी फार्म है, बहुत पुराने वीडियो में आप देख चुके होंगे। तो मैं वीडियो को इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से क्योंकि पालकोट के जस्ट सामने से, दुकान के सामने से एक भैया जा रहे थे, तो मुझे पता चला कि वो दिल्ली निकले हुए हैं पैदल यात्रा के लिए। तो वो जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से हमारे मिलने के लिए। उनका कुछ अपने एरिया का मुद्दा है, उसको वो सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ से आए उड़ीसा से, उड़ीसा में कहाँ, उड़ीसा में राउरकेला से भैया निकले हुए हैं पैदल दिल्ली के लिए। तो आइए उनसे बात करते हैं, सारा कुछ डिटेल उनसे जानते हैं। इंट्रोडक्ट, ये हमारे बड़े भाई गौतम भैया हैं। और भैया जो आपका नाम भैया, नमस्कार, मेरा नाम मुक्तिकांत बिस्वाल। मैं 1 अप्रैल से राउरकेला से दिल्ली पदयात्रा कर रहा हूँ। ये पदयात्रा करने का उद्देश्य है, मैं दिल्ली जा के माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलना चाहता हूँ। मिलने का मकसद ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2015 अप्रैल फर्स्ट में आए थे राउरकेला। उन्होंने राउरकेला की घोषणा की थी कि राउरकेला इस्पात जनरल हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिलेगा। तो 2018 तक कुछ हुआ नहीं काम। मैं 2018 में राउरकेला से दिल्ली पदयात्रा किया। वहाँ पहुँचने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन जब रिटर्न आया तो माननीय प्रधानमंत्री जो वादा किए थे वो वादा पूरा किए। वो अस्पताल बनना शुरू हुआ 2019 में, 2021 में बन के कम्प्लीट हो गया। 400 करोड़ का अस्पताल है। 2021 मार्च 21 में महामहिम राष्ट्रपति जी आ गए, उसको उद्घाटन किए। जिस दिन से उद्घाटन हुआ उसी दिन से वो अस्पताल बंद पड़ा हुआ है। इसीलिए मैं राउरकेला से दिल्ली पदयात्रा कर रहा हूँ। वहाँ जाके अगर प्रधानमंत्री जी मेरे से मिलते हैं तो उनसे निवेदन करूँगा कि जो अस्पताल वो बनाए हैं, बहुत अच्छा अस्पताल बनाए हैं, बहुत बड़ा अस्पताल बनाए हैं, उसको अगर भारत सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में अगर उसको चालू करे तो जो सपना वो दिखाए थे राउरकेला लोगों को तो ज़रूर पूरा होगा। और राउरकेला के जो मेडिकल समस्या है, राउरकेला के आसपास का जो मेडिकल समस्या है वो ज़रूर उसका समाधान ज़रूर होगा। आज मेरा 7वां दिन है। आज मैं यहाँ आके पालकोट में पहुँचा हूँ। पालकोट में हिंदुस्तान डेयरी में आज मैं रुका हूँ। यहाँ पे हिंदुस्तान डेयरी के जो ओनर है भैया है, उन्होंने आज मेरा यहाँ रहने का बंदोबस्त किया है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो आज मुझे हेल्प किए। और वो हमारे जो समस्या है, राउरकेला का जो समस्या है, उस समस्या के साथ में खड़े हैं। वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं जो लोग परेशान हो रहे, जो लोगों का जान चली जाती है ट्रीटमेंट के बगैर, उनका इलाज हो, सही इलाज हो। और प्रधानमंत्री जी जो वादा किए थे वो वादा वो पूरा करे, वो भी चाहते हैं। अब मुझे भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी मेरे से मिलेंगे और जो उन्होंने वादा किया था वो वादा वो पूरा भी करेंगे। अच्छा, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है, तो फर्स्ट टाइम में आप मिल पाए थे क्या उनसे? नहीं, मैं पहली बार जब गया था उनसे नहीं मिल पाया था, तो वो थोड़ा बिजी में थे। शायद उस समय उनका फॉरेन टूर था, उस समय वो समय नहीं दे पाए थे। मैं राउरकेला रिटर्न आ गया था, लेकिन जिस उद्देश्य से मैं गया था उस समय 2018 में, वो उद्देश्य पूरा हुआ था। वो उन्होंने मतलब 2019 में वो काम शुरू कर दिए, तो 2021 में कंप्लीट भी हो गया अस्पताल, बहुत बड़ा अस्पताल बना है। और मतलब ये उम्मीद है कि इस बार मैं जा रहा हूँ, अगर उनसे मिलता हूँ तो उनसे निवेदन करूँगा कि जो अस्पताल वो बनाए थे वो बंद पड़ा है, उसको भारत सरकार जो हेल्थ मिनिस्ट्री उसको चलाने का कुछ उपाय करे। मतलब पिछले बारी आप जब गए थे तो कितना दिन में आप अपना जर्नी कंप्लीट किए थे? उस समय मुझे लगा था 71 दिन लगा था, 71 डेज। तो इस बार लगभग 2.5 महीना लगेगा, क्योंकि इस बार मेरा साथ में जो बैग है, मेरा जो ज़रूरत का सामान बैग में है, इस साथ में और एक चीज़ मैं उसमें ऐड किया हूँ, एक आर्टिफिशियली डेड बॉडी को लेके जा रहा हूँ। उस डेड बॉडी को लेने का उद्देश्य ये है कि जो हमारे राउरकेला का मेडिकल व्यवस्था है वो ऐसा कंडीशन में आ गया है, कोई भी जाता है इलाज के लिए वो उनको उनका जान चली जाता है, मतलब ठीक से इलाज हो नहीं पाता। वही चीज़ मैं देश को और सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाना चाहता हूँ कि वो अस्पताल हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है। वही चीज़ दिखा के मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और जो समस्या है उसका समाधान। नहीं, ये जो आप समस्या ले जा रहे हो ये बस वहाँ का नहीं है, पूरे देश का समस्या है। जी हाँ, क्योंकि हर एक जगह में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल आज के डेट पे वही हो चुका है। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। वो एक समान जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो हर जगह में रहना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा जो एक समान रहना चाहिए, भारत में हर कोने में एक अच्छा अस्पताल बनना चाहिए। तो जितना भी हम लोग का भारत का जितने भी स्टेट है, तो वहाँ की जो राजधानी है
वहीं पे ही अच्छा अस्पताल मिलेगा, बाकी जगह में नहीं मिलता है, तो समान व्यवस्था हर जगह में होना चाहिए। अच्छा, और पर डे मतलब कितना किलोमीटर आप चल लेते हैं? पर डे मेरा वही 20-21 किलोमीटर होता है। अभी झारखंड में हूँ क्योंकि पहाड़ी इलाका है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जब मैं बिहार पहुँच जाऊँगा तो रोड थोड़ा अच्छा स्ट्रेट मिलता है, सीधा रोड मिलेगा और डबल रोड मिल जाएगा। अभी क्या है ना, सिंगल रोड है, दोनों साइड से गाड़ी आना जाना करती है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अभी 20 है, तो कोशिश करूँगा कि जब बिहार पहुँचूँगा थोड़ा सा बढ़ा। तो आप इंस्टाग्राम वगैरह कुछ चलाते हो क्या सोशल मीडिया साइट पे? जी हाँ, इंस्टा भी चलाता हूँ। तो आपका इंस्टाग्राम आईडी बताना है, मुक्ति बिस्वाल 666। ओके, तो जो लोग भी रास्ते में भैया की हेल्प करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि ये नेक काम के लिए जा रहे हैं तो ये उनके लिए इतना करना बनता है। और जैसा कि भैया ने बताया, आज हमारे भैया इनको होस्ट किए हुए हैं, तो आज का स्टे हमारे इस डेयरी पे है भैया का। और नेक्स्ट डे कल मैं गुमला पहुंचूंगा। हाँ, गुमला में रहने के लिए कोशिश करूंगा। वहाँ पे कुछ भैया भी बोल रहे थे, वहाँ पे उनका जान पहचान है, हाँ, भी व्यवस्था कर देंगे बोले हैं। वैसे ही रुकते रुकते ही जाऊंगा, दिल्ली तक पहुंच जाऊंगा। मतलब आपको रास्ते में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आता है? नहीं, मतलब प्रॉब्लम आता है, मतलब स्थानीय लोग है। मैं जब अगले बार गया था तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए थे, और इस बार जो अगले बार जो सपोर्ट मिला था उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है इस बार। तो उन्हीं के जो प्यार, उन्हीं के जो आशीर्वाद है, उसी के ताकत से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और उम्मीद है कि आगे भी सब ठीक होगा। चलिए भैया, मतलब आप सक्सेसफुली पहुंच जाओ, बस हम यही चाहते हैं। और बस थैंक यू, आप पूरे देश के लिए अच्छा काम करने के लिए निकले हुए हो। और भैया हमारे, इनको भी थैंक यू, क्योंकि आप ही बताए हमको कि भैया आए हुए हैं, तो हम इधर आ गए, थोड़ा वीडियो बना लेते। और बस भैया के साथ बने रहो और इनको सपोर्ट करो, क्योंकि क्या है ना कि कोई अच्छे काम के निकलते उनका सपोर्ट करना हमारा परम सिद्ध अधिकार होना चाहिए। और बस इस वीडियो को फैलाओ तो भैया को सपोर्ट मिलेगा, आगे तक बात जाएगी तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो वीडियो को शेयर करना, मेरे लिए नहीं भैया के लिए जरूर करना, क्योंकि पैदल चलना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि हम लोग 1-2 किलोमीटर में ही हालत ख़राब हो जाते। भैया अभी 25 अभी कितना 1500 ऑलमोस्ट रहेगा ना आपका? हाँ, 1400 किलोमीटर इनको कवर करना है, तो अभी ये ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर कर चुके हैं ना, 100 किलोमीटर इनका कंप्लीट हो चुका है। तो बस दुआ करूँगा भैया अच्छे से जो काम के लिए जा रहे हो वो हो जाए, और भैया का वीडियो को प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना। चलो थैंक यू भैया, और इंस्टाग्राम पे आप इनको मैसेज करके पूछ सकते हो आप कहाँ पहुँचे हो, भैया रिप्लाई ज़रूर करेंगे।